नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, कल के मैच में क्या कुछ हुआ था और आज क्या कुछ होने वाला है, आइए सब कुछ जानते हैं। तो कल का मैच खेला गया था मुंबई और राजस्थान के बीच में। तो मुंबई इंडियंस की टीम ने कल बहुत अच्छा काम किया कि पहले बैटिंग ले ली। तो इसमें टॉस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता जा रहा है और टॉस जीतना और पहले बैटिंग करना जीत की गारंटी बन चुका है। जितने भी मैच हुए हैं अभी तक और सब में पहले बैटिंग करने वाली टीम जीतती जा रही है। तो मैच में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया कल, और जो IPL हिंदुस्तान में जब खेला जाता था बहुत आनंद आता था, ऐसा कल कुछ भी नहीं हुआ, किसी भी मैच में नहीं है। इक्का दुक्का कोई मैच अच्छा जा रहा, बाकी सब नीरस मैच होते जा रहे, एक तरफा मैच जा रहे हैं। क्योंकि शुरुआत में लोग अब तो ये अंदाजा लगाने लगे हैं कि अगर टॉस जीत गए और पहले बैटिंग ले ली तो यही टीम जीतेगी, बाद में लोग मैच देखते भी नहीं और आखिर में रिजल्ट देख लेते हैं कौन जीत गया, और वो सही भी निकलता है। तो कल मैंने यही बात कही थी कि अगर जो बैटिंग करने वाली टीम है तो पहले बैटिंग करती है तो निश्चित ही वो टीम जीतने की संभावना उसकी ज्यादा है। तो कल मुंबई इंडियंस ने बैटिंग ले ली और अच्छा स्कोर खड़ा किया। शुरुआत बहुत अच्छी रही मुंबई की, और मैंने कहा था जिस दिन रोहित शर्मा चल जाते हैं, और कल तो ज्यादा रन भले ही नहीं बनाए लेकिन T20 में 35 रन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। रोहित शर्मा ने 35 रन बनाए थे 23 बॉलों में, 2 चौके और 3 छक्के लगाए, शुरुआत अच्छी कर दी। क्वांटम डी कॉक ने अच्छा साथ दिया, 23 रन बनाए और मात्र 15 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्का। सूर्य कुमार यादव कल बहुत अच्छा खेले, कल हम जीत का श्रेय इनको ही देना चाहेंगे। 79 रन बनाए 47 बॉलों में 11 चौके और 2 छक्कों की मदद से। हार्दिक पंड्या का सपोर्ट स्कोर को आगे बढ़ाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, 19 बॉलों में 2 चौके और 1 छक्का। तो ये कल मुंबई का स्कोर कार्ड, मुंबई ने कल ये स्कोर बनाया था। कल राजस्थान की तरफ से श्रेयस गोपाल ने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर डाले, 28 रन दे करके 2 विकेट लिए थे और टोटल 4 विकेट ही गए थे मुंबई के। राजस्थान की टीम जब खेलने उतरी तो बहुत ही मुश्किल नज़र आ रही थी राजस्थान के लिए, स्कोर ज़्यादा था और शुरुआत में मतलब शून्य पर ही पहला विकेट चला गया, वहीं से पूरी टीम लड़खड़ाती चली गई और फिर उबर नहीं पाई। और जॉस बटलर ने जरूर 70 रन बनाए, वो एक उम्मीद जगाई थी, लेकिन बाकी का कोई खिलाड़ी टिक ही नहीं पाया, हर ओवर में 1-2 ओवर के बाद विकेट जाते रहे और दबाव बढ़ता रहा। इस तरह से पूरी टीम 137 रन बना करके ढेर हो गई। और तो राजस्थान की टीम कल कहीं संघर्ष नहीं कर पाई, कोई चुनौती नहीं दे पाई मुंबई को, और पहले ही ये कहा जा रहा था कि आज राजस्थान को मुंबई माफ नहीं करेगी, और कल हुआ भी यही, मुंबई ने एक तरफा जीत दर्ज की। जोफ्रा आर्चर ने 24 रन बनाए 11 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्का, और जॉस बटलर ने 70 रन बनाए। तो राजस्थान की तरफ से कल कोई खास कुछ कर नहीं पाया जॉस बटलर के अलावा। जोफ्रा आर्चर ने जरूर 24 रन बना करके जॉस बटलर का साथ दिया था, लेकिन संजू सिमंस और स्टीव स्मिथ इनके कप्तान सस्ते में आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह मात्र 4 ओवर किए मुंबई की तरफ से और 20 रन देकर 4 विकेट दी। तो कल राजस्थान को हराने में बुमराह का बहुत बड़ा हाथ रहा। तो कल का ये लेखा जोखा था, कल बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ा राजस्थान को। राजस्थान की टीम हालांकि युवा टीम है और संघर्ष करने की क्षमता है, तो लगता है कि अगले मैचों में उबर जाएगी, अभी काफ़ी मैच बाकी हैं। और आज का मैच खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग के बीच में। तो चेन्नई सुपर किंग की टीम ने जिस तरह से पहला मैच, इससे पहला मैच जीता था 10 विकेट से, इससे जो हमारे दर्शक हैं उनको बहुत उम्मीद बढ़ गई है कि अब धोनी की टीम फॉर्म में आ चुकी है और अब इसको हराना बड़ा ही मुश्किल है, और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि सारे अनुभवी खिलाड़ी हैं। और कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से आज खेलने की जिनकी संभावना है उसमें शुभम गिल हो सकते हैं, सुनील नारायण, नीतीश राणा, आंद्रे रसेल, दिनेश कार्तिक, इयॉन मॉर्गन, पैट कमिंस, राहुल त्रिपाठी, शिवम माबी, कमलेश नगरकोटी और वरुण चक्रवर्ती, ये टीम में आज खेल सकते हैं। लेकिन चेन्नई सुपर किंग की टीम अपनी, मुझे लगता है जो पिछले मैचों में 10 विकेट से हराया था वही टीम उतरने की संभावना है। डू प्लेसिस, शेन वॉटसन, अंबाती रायडू, MS धोनी, केदार जाधव, रविंद्र जडेजा, ड्रेन बेबो, सैम कॉरेन, सरदुल ठाकुर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और वो भी खेल सकते हैं, पीयूष चावला और दीपक चाहर। तो ये रहेगी चेन्नई सुपर किंग की टीम और लगता है कि अब फॉर्म में आ चुकी है। तो आज भी चेन्नई सुपर किंग को हराना बहुत मुश्किल होगा, तो
मुझे लग रहा है कि आज भी टॉस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अगर टॉस जीतकर जो पहले बैटिंग करते हुए लगभग 170-180 रन बना लेगी और वो टीम जीत जाएगी और आज का मैच खेला जाएगा शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी के अंदर। तो अबू धाबी का स्टेडियम कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, मीडियम स्तर का, शारजहाँ से थोड़ा बड़ा है, लेकिन शारजहाँ में मैच खेले जाते हैं तो उसमें 195 से लेकर 220 तक स्कोर होता है और इसमें 160 से लेकर 180 तक के बीच स्कोर रहेगा और अच्छा स्कोर रहेगा। तो उम्मीद है कि जो भी आज बैटिंग करेगी पहले टॉस जीत करके वो जरूर जीत पाएगी। तो मैं अगर जाना चाहूं तो आज जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग खेली है तो मुझे भी लग रहा है कि आज चेन्नई सुपर किंग को जीतना चाहिए, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के पास भी चांस अच्छे हैं, उसके भी जीत की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो टक्कर देखने को मिले, अच्छे मैच हों, मैं यही उम्मीद करता हूं। और अब IPL में अब तक जो मैच खेले गए हैं उनका कुछ जानकारी देता हूं कि अब तक सबसे ज़्यादा सिक्स किसने लगाए। तो अब तक सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वालों में संजू सिमंस हैं जिन्होंने 16 छक्के लगाए हैं, रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर हैं 14 छक्के लगाए, कैरोन पोलार्ड 13 छक्कों के साथ तीसरे नंबर पर और ईशान किशन 12 छक्कों के साथ चौथे नंबर पर हैं। और सबसे ज्यादा रन बनाने की बात करें तो KL राहुल ने 132 रन बनाए अभी तक, मयंक अग्रवाल 106। तो हाईएस्ट स्कोर 2 शतक लग चुके हैं KL राहुल और मयंक अग्रवाल, दोनों ओपनर हैं किंग्स 11 पंजाब के। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ओपनर्स की टीम सबसे निचले स्तर पर बनी हुई है और मात्र एक मैच जीत पाई है और 8वें नंबर पर बनी हुई है 2 अंकों के साथ में। तो ये तो कल के मैच का लेखा जोखा और आज क्या कुछ हो सकता है ये सब जानकारी थी। कल मैं एक बार फिर से आऊँगा आज के मैच का लेखा जोखा और कल के मैच में क्या कुछ होगा ये सब जानकारी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।